नमस्कार, सारिकाज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिश करी की रेसिपी लेके आई हूँ। फिश करी तो सब बनाते ही हैं, बट आज मैं आपके लिए एक अलग अंदाज में फिश करी लेके आई हूँ, जिसमें कि प्याज नहीं डालते हैं हम लोग, सरसों और टमाटर डाल के बनाते हैं फिश करी, जो कि एकदम अलग स्वाद देता है। तो चलिए मेरे किचन में एक नए अंदाज में फिश करी बनाते हैं। आपको मछली के बीच में पता चलेगा, अभी नहीं बताएंगे। ये तेज पत्ता। सबसे पहले हम मछली फ्राई करेंगे। मछली फ्राई करने के लिए फ्राई हो रहा है तब तक हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। पहले सरसों और लाल मिर्च को सूखा पाउडर बना लेंगे, उसके बाद बाकी इसमें मसाला डाल के फिर उसको गीला पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि सरसों गीला हो जाने के बाद ना फिर वो पेस्ट बनने में प्रॉब्लम होता है। सरसों और मिर्चा का पाउडर बन गया है, अब इसमें हम लहसुन और जीरा और धनिया का जो पाउडर था उसको भी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसका पेस्ट बना लेंगे, और इसके बाद टमाटर का भी अलग से पेस्ट बना लेंगे। इसको पलट फिश फ्राई करने में एक चीज का ध्यान रखिएगा, फिश को सिर्फ दो बार पलट के ही फ्राई करिएगा, एक बार इधर से और दूसरे बार इधर से, बस ज़्यादा नहीं करना, और एकदम फ्लेम एकदम हाई रखिएगा। ये हमारा फिश फ्राई हो गया है, इसी तरह हम बाकी फिश को भी फ्राई कर लेंगे। आप मेरे मसाला के बीच में एक लहसुन का देखें, मैं इसका देखें क्या यूज करते हैं, इसको पूरा फ्राई कर लेंगे। ये मेरे पापा की रेसिपी है, जब भी मछली बनाते थे उसमें ठंड के दिन में पूरा गोटा लहसुन देके उसको फ्राई करके मछली के साथ उसको ग्रेवी में डाल दीजिए, और ये लहसुन उसमें एकदम ग्रेवी पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद इसको खाइए, बहुत मज़ा आता है, बहुत यम्मी लगता है इसको खाने में। अभी गर्मी है इसलिए हम छोटा सा बस आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ठंडा में आप लोग जरूर इसको ट्राई करिए, पूरा गोटा लहसुन। हम ग्रेवी तैयार करेंगे, अब यहाँ से गैस का फ्लेम लो रहेगा। सबसे पहले मेथी पत्ती मेथी डाल देंगे, उसके बाद हरा मिर्चा, आप हरा मिर्चा की जगह लाल मिर्चा भी डाल सकते हैं, और तेजपत्ता। जब ये चटक जाएगा फिर इसमें हम सबसे पहले टमाटर का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डाल दिए हैं, अब इसमें सरसों लहसुन धनिया जीरा और लाल मिर्च इसका पेस्ट बनाए थे उसको डालेंगे। प्याज एक भी प्याज नहीं डाले हैं, इसको ट्राई जरूर करिएगा, और
चूंकि इसमें प्याज नहीं डाले हैं इसलिए ये तैयार भी बहुत जल्दी हो जाता है, इसका ग्रेवी बहुत जल्दी तैयार होता है। सरसों को ज़्यादा भूनना ही नहीं है, ज़्यादा भूनने से तो तीता हो जाता है, इसलिए सरसों को ज़्यादा हम लोग नहीं फ्राई करते हैं। और बस 5 मिनट में मसाला हम लोग का रेडी हो जाता है। और गैस का फ्लेम कब जब ज़रूरत के हिसाब से हाई और स्लो करते रहिएगा। और इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक सबसे लास्ट में डालेंगे, नमक डाल के और उसके बाद तुरंत पानी डाल देंगे। इसमें दे दिए हैं हल्दी पाउडर भी डाल दिए हैं, अब इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट चलाते रहेंगे। तो लगातार नहीं चलाना है, बीच बीच में इसको चलाते रहना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि मसाला जले नहीं, इसलिए फ्लेम पर थोड़ा सा अंदाज रखना। मसाला भून गया है, पूरा तैयार हो गया है, तेल ऊपर आने लगा है। अब इसमें नमक डाल देंगे, नमक और मिर्चा आप लोग अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। कोई मिर्चा कम खाते हैं, कोई ज़्यादा खाते हैं, और नमक भी कोई कम खाते हैं, कोई ज़्यादा खाते हैं, इसलिए दो चीज़ अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। नमक डाल दिए हैं, इसमें इसमें पानी डालेंगे। अब फ्लेम हाई कर दीजिएगा, पानी डाल दिए हैं। अब जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, जब ये उबलने लगेगा फिर इसमें मछली डाल। ग्रेवी बॉइल हो गया है, अब इसमें एक एक करके मछली डालेंगे। लहसुन को भी इसमें एक बार चला देंगे और सिम करके 5 से 7 मिनट सिम पे छोड़ देंगे, धीमी आंच पे मछली उखलाएंगे। इस पल के तैयार है इस करी, इसको ट्राई जरूर करिएगा, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मत सोचिएगा जो फिश में प्याज नहीं डाले तो फिश कैसा लगेगा, एक बार बनाइएगा तो फिर प्याज डालना भूल जाइएगा फिश में। ये हमारा फिश करी बन के रेडी है, आप इसको ट्राई जरूर करिए, अब यकीन मानिए आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये लहसुन वाला ज़रूर बनाइएगा। और अगले बार से हम मिथिला सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मिथिला के कुछ फेमस रेसिपी आपको बना के हम दिखाएंगे, बताएंगे। और तब तक आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिए और कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।